हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, हमने इंटीग्रेशन का 7.2 शुरू कर लिया था, जिसमें हमने उसके 11 क्वेश्चन कर लिए थे, और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम क्वेश्चन कवर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ट्राई किया होगा। ये एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 1/3 एक्स की पावर 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो भाई आप खुद ही देखो ना यार, बच्चों आप खुद ही देखो कि अगर मैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करता हूं तो ये नहीं आ सकता, और एक्स फाइव का डेरिवेटिव करता हूं तो ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एक्स फाइव का डेरिवेटिव करूंगा तो पावर आगे एक कम, तो 4 पावर आएगी, तो 3 तो आई नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक काम करते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 1/3, और इस एक्स की 5 को x3.x² लिख सकता हूं कि नहीं? क्यों? क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब लेट कर लो, क्या लेट कर लो? एक्स क्यूब माइनस वन बराबर टी के। क्यों? क्योंकि इसकी पावर इस तरह की फ्रैक्शन है जिसको सॉल्व करना आसान नहीं है, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला बनाएगी नहीं, तो इस वजह से हम बड़े वाले पार्ट को हमने लेट कर लिया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा पावर आगे एक कम x², ये तो हो जाएगा 0, और dt अपॉन में dx, dx को उठा के इधर ले जाओ, x² dx dt। लेकिन बच्चों मुझे तो x² dx चाहिए था, ये तो 3 आ गया, तो ये 3 यहाँ पे जबरदस्ती है, यानी मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। लो जी, x² dx किसके बराबर आ गया? 1/3 dt। तो 1/3 बाहर करो, ये पूरा किसके बराबर है? t, तो t की पावर 1/3, ठीक है, t की पावर 1/3, और x क्यूब की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम, क्या आएगी भाई? टी माइनस की चीज यहाँ के प्लस, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई भाई? टी प्लस वन, और x² dx की वैल्यू क्या आ गई? 1/3 dt, 1/3 बाहर और ये dt। हाँ जी, अंदर मल्टीप्लाई करो, टी इसकी पावर है 1, 1 और 1/3 कितना हो जाएगा? 4/3 प्लस टी की पावर 1/3। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, करिए इंटीग्रेशन, 4/3 + 1 अपॉन 4/3 + 1 टी की पावर 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1, और प्लस में सी। ठीक है जी, ठीक, तो ये बन जाएगा 1/3, और ये टी की पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस टी की पावर 4/3 अपॉन 4/3, ठीक है, और प्लस में सी 1/3। हाँ जी, पलट देंगे तो 3 तो सबके लिए कॉमन आ जाएगा, पलट देंगे तो 3 सबके लिए क्या आ जाएगा? कॉमन। अंदर क्या बचेगा? हाँ भाई, अंदर क्या बचेगा? टी, टी कितना है? x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस सी, 3 से 3 कट गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 तो कराई दिया, 13, हाँ जी 13। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13? x² अपॉन 2 + 3 x² की स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब का होल क्यूब dx। तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये बनेगा, हम देखो लेट कर सकते हैं भाई नीचे वाले को, तो लेट करेंगे, 2 + 3 x³ = t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स के। तो ये जो 2 हो गया 0, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 x², और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा dt/dx। ठीक है जी, dx को उठा के उधर ले जाएंगे, 9 x² dx = dt। लेकिन बच्चों मुझे तो x² dx चाहिए था, 9 जबरदस्ती आ रहा है, तो 1/9 dt। ठीक, अब क्या करेंगे? हाँ जी, तो x² dx तो बन गया 1/9 dt, तो 1/9 बाहर, 1/2 + 3 x³ कितना है? t के बराबर है, तो ये हो जाएगा t³ dt। तो 1/9 ऊपर लेके जाएंगे, t³ - 3 dt, इंटीग्रेशन कर दो, तो ये बनेगा t³ - 3 + 1 / -3 + 1 प्लस सी। ठीक है, और ये बन जाएगा 1/9 t² - 2 - 2 + c। हाँ जी, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/18, और t की पावर नीचे आके प्लस की बन जाएगी, प्लस सी, और t की जो भी वैल्यू थी वो पुट कर देना। ठीक है बच्चों, चलो t की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, 14, 14 भी आप खुद कर सकते हो, 15 खुद कर सकते हो, चलो 15 करा देता हूं। x/9 - 4 x² dx, तो क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, 9 - 4 x² को t के बराबर,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 9 हो गया 0, 4 इसका पावर आ गया 1 कम, डी टी अपॉन में डी एक्स। हाँ जी, हो जाएगा माइनस का 8x, डी एक्स उठ के इधर आ जाएगा डी टी, लेकिन मुझे तो एक्स डी एक्स चाहिए ना, तो माइनस 8 उठा के वहां ले जाओ, तो माइनस 1 अपॉन 8 डी टी, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 8 डी टी, करो इंटीग्रेशन। हाँ जी, माइनस 1 अपॉन 8 बाहर आ गया, और एक्स डी एक्स डी टी 1 अपॉन ये पूरा टी के बराबर डी टी, माइनस 1 अपॉन 8 लॉग टी प्लस सी, टी की जो वैल्यू है वो पुट कर देना, ठीक है जी। चलो अब अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16, 16 देख लो, 16 बहुत आसान है, ई की पावर 2x प्लस 3 dx, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ई 2x प्लस 3, ठीक है जी, प्लस सी, और एक्स के साथ जो भी कोफिशियंट है वो कहाँ जाएगा, नीचे, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, हाँ जी, एक्स ई एक्स का स्क्वायर डी एक्स, तो क्या करोगे भाई, पहले लेट करो, क्या लेट करो भाई, मुझे पता है एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा ना उसे लेट कर लो टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा पावर आगे 1 कम डी टी अपॉन डी एक्स, भाई 2 उठा के वहां भेज दो, डी एक्स उठा के यहाँ ले आओ, तो एक्स डी एक्स 1 बाय 2 डी टी, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू 1 बाय 2 डी टी आ गया, 1 बाय 2 बाहर, एक्स डी एक्स की जगह डी टी, और ये ई, हाँ जी, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रख दूंगा, टी डी टी, ठीक है। अब देखो ये तो फ्रैक्शन में, ऊपर लेकर आओ, 1 बाय 2 ई की पावर माइनस टी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस टी। अब भाई ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टी, लेकिन भाई टी के साथ जो कोफिशियंट है वो माइनस है, और माइनस का मतलब माइनस वन होता है, तो नीचे क्या आएगा, माइनस वन प्लस सी, तो इसका आंसर आ गया माइनस वन बाय टी ई, और ये ई को उठा के नीचे लाओगे तो 1 अपॉन ई टी प्लस सी, और टी की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे रख देना, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस वन बाय टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर है, ठीक है, करो इसे, नोट करो, नोट करो इसे। चलिए मिटाऊं, क्वेश्चन नंबर 18, हाँ जी, ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लेट करो, क्या 10 इनवर्स एक्स बराबर टी, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डी टी अपॉन में डी एक्स, उठा के वहां ले जाओ। हाँ जी, तो आप देख रहे होंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या बन चुका है, डी टी ई की पावर, ये क्या है, टी, तो टी डी टी, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, और जब आप फॉर्मूले देखोगे तो याद आएगा कि हाँ जी ऐसा कुछ बनता है, तो ई टी का ई टी प्लस सी, और टी की जो वैल्यू है पुट कर देना। 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन भाई, ये है क्वेश्चन, बढ़िया, ये क्वेश्चन है एक नंबर लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है जी। अब देखो आप इसमें क्या, ना ही नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला बन रहा है, ना ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला बन रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, तो देखो ई में आराम से कर सकते हो भाई, ई टू एक्स है ना, तो क्या इसे ई एक्स डॉट ई एक्स लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बेस से में पावर एड हो जाएगी, सेम इसके साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन अब एक बात है, अभी भी डेरिवेटिव कर दूंगा तो बराबर आएंगे नहीं, यानी कि इसके जैसा बनेगा नहीं, तो एक काम करो भाई, ई एक्स ना आप कॉमन लो, ठीक है, ई एक्स कॉमन लेना मतलब क्या, जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं, कैसे, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ ए प्लस वन, अब मैं कह रहा हूँ इसमें से ए कॉमन लो, तो अब भाई जबरदस्ती कॉमन ले रहे हो ना,
जब आप जबरदस्ती कॉमन लोगे, भाई देखो इसमें से तो ए कॉमन आ जाएगा तो वन आ गया, लेकिन इसके पास तो ए है ही नहीं, तो जब हम जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो वही चीज कहां पर आ जाती है, नीचे आ जाती है। वही चीज कहां पर आ जाती है बच्चों, नीचे आ जाती है, ठीक है। और वही नीचे वाली चीज को जब ऊपर उठा के लेके जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो इनवर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, इनवर्स। तो इसी तरीके से जब मैं इसमें से ई एक्स कॉमन लूंगा तो यहां से तो चलो एक ई एक्स आ गया, बच गया, लेकिन यहाँ तो ई एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपॉन में ई एक्स, वन अपॉन में ई एक्स। सेम केस यहाँ भी, इसमें से भी ई एक्स कॉमन लो तो क्या बचेगा, ई एक्स प्लस वन, इसमें जबरदस्ती कॉमन हो रहा है, वन अपॉन में ई एक्स। भाई ई एक्स से ई एक्स तो कट गया, ई एक्स से ई एक्स तो कट गया, तो बचा क्या, हाँ जी बचा आपका ई एक्स माइनस, भाई ऊपर जाएगी पावर माइनस एक्स, ई एक्स प्लस ऊपर जाएगी पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब लेट करो नीचे वाले ई एक्स ई माइनस एक्स को टी के बराबर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, और ये हो गया डी टी अपॉन में डी एक्स। ये आ गया ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, और डी एक्स उठ के इधर आ गया डी टी, ठीक है जी। तो चलो ये पूरा का पूरा किसके बराबर आ गया, डी टी, और ये पूरा किसके बराबर आ गया, टी डी टी। तो ये आ गया लॉग टी प्लस सी। हाँ जी टी किसके बराबर है, इसके बस पुट कर देना यहाँ पे ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स सी, ठीक है जी। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है क्वेश्चन नंबर 20। तो ई टू एक्स माइनस ई माइनस टू एक्स, ई टू एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, हाँ जी लेट करो, क्या लेट करेंगे, ई टू एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स बराबर टी, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, ठीक है। तो ई टू एक्स का ई टू एक्स, लेकिन टू एक्स का टू भी तो होगा, फिर ई माइनस टू एक्स का ई माइनस टू एक्स, लेकिन फिर माइनस टू एक्स का माइनस टू भी होगा, और टी का डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये भाई इसमें से ना टू कॉमन आएगा, और टू कॉमन लेके क्या करोगे, ई टू एक्स माइनस ई माइनस टू एक्स, और यहाँ पे डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। ये प्लस ये माइनस माइनस बन गया। अब देखो ई टू एक्स माइनस ई टू माइनस एक्स डी एक्स, ये तो हमें चाहिए, लेकिन टू नहीं चाहिए, टू उठा के फेंको बाहर, टू कहाँ कर दो भाई बाहर। तो ये बनेगा ई टू एक्स माइनस ई माइनस टू एक्स डी एक्स बराबर वन बाय टू डी टी, ठीक है जी, वन बाय टू डी टी। तो ये देखो ई टू एक्स माइनस ई माइनस टू एक्स डी एक्स, ये बन गया आपका वन बाय टू, ठीक है, डी टी, और ये क्या बन गया, वन अपॉन टी डी टी। इसके आगे की इंटीग्रेशन आप खुद कर सकते हैं, क्या बनेगा, लॉग टी प्लस सी, और वन बाय टू लॉग टी, क्या लेट किया था, ई टू एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स प्लस सी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। हाँ जी टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स, हाँ भाई अब इसका कोई क्वेश्चन देख लो, कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, टेन स्क्वायर का एक्स का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, फॉर्मूला होता सीधा किसका भाई, ये इसका होगा, हाँ जी अगर आप टेन स्क्वायर थीटा को जानते हो तो क्या बनता है, ये टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यही होता है। तो बस ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या आएगा, टू एक्स माइनस थ्री और माइनस वन, ये बन गया हमारा फॉर्मूला इसके हिसाब से। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा, तो ये आ गया टू एक्स माइनस थ्री, और जो भी कोफिशियंट है वो अपॉन में आ जाएगा, और वन का क्या बनेगा एक्स, और ये बन गया प्लस में सी, ये आपका आंसर है भाई, बहुत सिंपल सा था। 22वां, 22वां आप कर सकते हैं, 23वां आप कर सकते हैं, 24वां ये करवाता हूं मैं, ठीक है। टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन फोर सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स, यह डी एक्स, भाई टू कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स डी एक्स। अब इस वाले टू से टू काट मत देना, ये अलग चीज है भाई, टू टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है जी। पल्ले पड़ रहा सभी के, चलो अब देखो जरा यहाँ पे, अब क्या करेंगे, नीचे वाले को टी लेट करेंगे, लेट करो
थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स बराबर टी, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो थ्री कॉस का क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स, टू साइन का क्या बनेगा, कॉस एक्स, और टी का क्या बनेगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये भाई आगे पीछे लिख लो, टू कॉस एक्स, ठीक है, टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं इससे, प्लस वाली चीज आगे माइनस वाली चीज पीछे, डी एक्स डी टी। लो जी, टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया, डी टी के। तो 1/2 तो पहले से ही था, 1 अपॉन ये पूरा मैंने क्या ऐड किया था, टी डी टी, 1/2 लॉग टी प्लस सी, 1/2 लॉग, हाँ जी टी की जगह क्या क्या आएगा, थ्री कॉस एक्स टू साइन एक्स, और ये प्लस में सी। ठीक है जी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 24। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 क्या है, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10 का स्क्वायर डी एक्स, कैसे करेंगे, सिंपल भाई, कॉस स्क्वायर एक्स का रिवर्स यानी उल्टा ले ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस में 10 एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, बस 1 माइनस 10 एक्स बराबर लेट कर लो टी के, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का 0, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन में डी एक्स। भाई डी एक्स मान जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, लेकिन भाई मुझे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स चाहिए ना, तो माइनस उठा के उधर फेंक दो, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो यानी बच्चों हमने ये देखा कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर, माइनस डी टी, माइनस को करो बाहर, 1 अपॉन में, हाँ जी ये पूरा किसके बराबर है, टी के, तो टी स्क्वायर डी टी माइनस, भाई ऊपर जाएगी इसकी पावर माइनस की 2, करो इंटीग्रेशन, टी की पावर -2 + 1, -2 + 1 प्लस सी, -t की पावर -1 या -1 प्लस सी, माइनस से माइनस कट गया भाई, उठा के नीचे ले आओ 1/t + c, और टी की जो भी वैल्यू है वहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 1/1 - 10x + c, ये आंसर है। ठीक है, करो बच्चों, करो इसे नोट कर लो फटाफट, चलो भाई बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 25 हो गया, 26 भी आप कर लोगे, 26 भी आप कर लोगे, कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, तो क्या करोगे, रूट रूट एक्स को टी लेट कर लो, ठीक है, तो 1/2 अंडर रूट एक्स यही होता है ना डेरिवेटिव, डी टी अपॉन डी एक्स, तो 1/√x डी एक्स को उठा के वहां ले जाओ, 2 को उठा के वहां ले जाओ, हाँ भाई, तो 1/√x डी एक्स किसके बराबर हो गया, 2 dt, तो 2 बाहर करो,
कॉस रूट एक्स को टी माना है और ये डी टी। हाँ जी, कॉस एक्स का कॉस टी का डेरिवेट इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी प्लस सी, हो गया खत्म। 2 sin t की वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस सी, 27। 27 में क्या करना है, अंडर रूट साइन 2x cos 2x dx। तो क्या करोगे, साइन 2x को t लेट कर लेना, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बन जाएगा cos 2x डेरिवेटिव के बाद, और ये dt अपॉन में dx, तो यह जाएगा cos 2x dx 1/2 dt, ठीक है। तो 1/2 तो बाहर हो गया, cos 2x dx तो बन गया dt, और ये बन जाएगा अंडर रूट t dt, ठीक है। चलिए इसकी इंटीग्रेशन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 28, ये भी आप खुद कर सकते हो, 1 + sin x को t लेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29 ये करा देता हूं मैं। हाँ भाई, क्या है, cot x log sin x dx, तो लेट करो, लेट किसे करोगे, log sin x को t लेट कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log sin x का 1/sin x, फिर sin x का cos x, और t का dt अपॉन dx, तो ये बन जाएगा cos अपॉन sin cot x dx को उठा के इधर ले और dt। हाँ जी, तो cot x dx dt बन गया और log sin x ये बन गया, ठीक है। अब कर लेना इंटीग्रेशन खुद, 30th कर सकते हो, 31 कर सकते हो, ठीक है, और 32, 32 और 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 32 देखो, ये थोड़ा लेंदी भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। 1/1 cot x, लो भाई ये क्वेश्चन अच्छा है, क्यों, क्योंकि इसमें आप लेट करके कुछ भी प्रूफ कर ही नहीं पाओगे, लेट करके कुछ भी चीज प्रूफ कर ही नहीं पाओगे, तो जब कर नहीं पाओगे तो क्या करें भाई, तो इसको हम वही जो हम लोग 10th में करते आ रहे थे वही करेंगे। कॉट वाले में क्या करेंगे, इसको कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में चेंज करो, पहले अपॉन में 1 चेंज करो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, पलट दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है, अब जैसा ये नीचे है ना वैसे ऊपर बनाना है, जैसा नीचे है वैसे क्या बनाना है, ऊपर बनाना है, तो क्या करें भाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x, नीचे वाले 2 को तो छोड़ दो, नीचे वाले 2 को तो छोड़ दो। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब इसे क्या करो, हाँ जी, अब इसे क्या करो, इसको ऐसे लिख दो, 1/2 sin x + sin x, और नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही है ना, यही चल रहा है। अब एक काम करो, जब यहां नीचे कॉस एक्स तो ऊपर भी लेकर जाओ, तो कैसे करोगे, अपनी मर्जी से कॉस एक्स ऐड करो और अपनी ही मर्जी से कॉस एक्स माइनस भी कर दो, ताकि क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ताकि क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब क्या करो, अब क्या करो कि भाई साइन एक्स और कॉस एक्स को एक साथ रख लो, प्लस फिर साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स को एक साथ रख लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब हम देख सकते हैं कि एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब इन दोनों को अलग अलग करना है, ये तो कट जाएगा, ये बन जाएगा 1। अब अलग अलग करो, 1/2 1 dx अलग करो, 1/2, क्योंकि ये 1/2 इससे भी है इससे भी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब यहां लेट करना पड़ेगा, इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेट कर लो, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और टी डी टी डी एक्स। लेकिन भाई मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, और यहाँ बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, डीएक्स को उठा के यहाँ ले आओ और ये आ जाएगा डी टी, माइनस वहां भेज दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स माइनस डी टी, ठीक है जी। चलो काम बन गया, 1/2 1 dt, सॉरी dx प्लस 1/2, हाँ भाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस का डी टी, तो यह जाएगा माइनस 1 अपॉन, भाई इस पूरे को क्या लेट किया था, टी डी टी, तो
तो 1/2 x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, ये माइनस ये प्लस, तो क्या आ जाएगा -1/2, और इसका इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी, ठीक है जी, लॉग टी प्लस कितना जाएगा सी, ठीक है। अब ये बना दो इसको यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x अपॉन में 2 -1/2 लॉग टी, टी क्या माना भाई, टी माना है हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर किसका भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का, और 33 भी ऐसे ही करना है, बस इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा 35 करवा रहा हूँ। हाँ जी 35, 1 प्लस में लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स डी एक्स, तो इसको करना है, तो हो गया सिंपल, लेट करो भाई यार, 1 प्लस में लॉग एक्स को टी लेट कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 हो गया 0, लॉग एक्स का 1/x, टी का डी टी अपॉन डी एक्स, 1/x डी एक्स डी टी हो गया, 1/x डी एक्स डी टी बन गया, और ये पूरा तो हमने टी माना था, टी का स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन करेंगे तो टी 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस सी, तो टी की पावर 3/3 प्लस सी, और टी है कितना, टी है 1 प्लस log x की पावर 3/3 प्लस सी, ये आंसर आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं खत्म, क्वेश्चन नंबर 34 36 37 आपके लिए प्रसाद, ठीक है जी, करके देखिएगा, हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं होगा तो मैं हूं ही सपोर्ट में, ठीक है। और इसको ट्राई करना बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन सारे आपको ट्राई करने हैं, विद एग्जांपल ट्राई करने हैं, ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना, जो नहीं होंगे फिर वो मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बाकी ये क्वेश्चन ट्राई करो, 7.2 आपकी खत्म हो चुकी है, चलिए बाय।